गाइस विंडोज 11 की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेट डिफॉल्ट फोल्डर व्यू फॉर ऑल फोल्डर्स इन विंडोज 11 के आप कैसे विंडोज 11 के अंदर फोल्डर व्यू सेटिंग्स को डिफॉल्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है माय कंप्यूटर में। ठीक है, माय कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने जाना है ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू का, आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है फोल्डर ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, एंड देन आपने सिंपली यहाँ पर इसको रीसेट करना है, तो आपने सिंपली यहाँ पर रीसेट फोल्डर्स के ऊपर क्लिक करना है एंड आपके जितने भी फोल्डर हैं वो सारे रीसेट हो जाएंगे, मतलब उसका जो व्यू सेटिंग है वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर सेट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही एंड दिस इज़ हाउ यू कैन सेट डिफ़ॉल्ट फोल्डर व्यू फॉर ऑल फोल्डर्स इन विंडोज 11। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।